बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडस्ट्री स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो FII इंस्पेक्टर पेपर 2011 लेसन नंबर 5 है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल जरूर है, लेकिन कोशिश करें अहम क्वेश्चन जो नजर आए उसमें से आप उनको रट लगाएं, याद रखें। तो जो पहले जितने पेपर्स मैंने अपलोड कर चुका हूँ उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं दोस्तों, उनको भी विजिट करके वॉच करें। आज क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं, देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 से। इससे पहले मैथमेटिक्स के 3-4 क्वेश्चन थे वो हल करा चुका हूँ, आज क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखें, हमारे पास क्वेश्चन है हु वाज आइवोका रेकन। आइवोका रेकन ये कौन थे? दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्रोशिया 2000 से लेकर 2003 तक ये क्रोशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है इंक्लूडिंग पोर्ट सिटी सच एज विनिस विच सी सेपरेट। इसका सिर्फ इतना है कि ये देखें कि विच सी सेपरेट्स इटालियन पेनिनसुला एंड बाल्कन पेनिनसुला। यहाँ जजीरे को कहते हैं पेनिनसुला, जजीरा जिसके इर्द गिर्द पानी हो, तो कहते हैं ये इटालियन पेनिनसुला और बाल्कन पेनिनसुला ये किस कहाँ जुदा होता है, कौन सी चीज इसको जुदा करती है? तो इसमें ऑप्शन सी है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है। ये बाकी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन वैसे बनाया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 भी वैसे ही इसको लंबा किया हुआ है। देखें सिर्फ इतना है कि द गल्फ ऑफ अकबा, ये इसके गल्फ इस अकबा गल्फ के बॉर्डर पर इसके जो ममालिक हैं कहते हैं उनके नाम, ये नीचे नाम दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन सी को अगर देखें तो ये उसके रीवे इजराइल जॉर्डन इजिप्ट एंड सऊदी अरबिया। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाड इज द लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ, चाड जो है ये कहाँ अफ्रीका का लैंड लॉक्ड कंट्री है, लेकिन ये जानने की कोशिश करते हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं किसको हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री वो कंट्रीज होते हैं जिनके खेत कोई दरिया नहीं होते, खुश्की होते हैं। तो टोटल लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो है वो तकरीबन 49 हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन आता है कि डबल लैंड लॉक कंट्रीज, डबल लैंड लॉक कंट्रीज वो होते हैं जो एक कंट्री लैंड लॉक हो और उसका पड़ोसी मुल्क भी जो उसका बॉर्डर उसके साथ लगता हो वो भी लैंड लॉक कंट्री हो, तो दैट इज कॉल्ड डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज। और एक क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है कजाकिस्तान है हमारे पास दुनिया में। और ये एक और ऐसा होता है कि द स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्री एंड दैट इज वेटिकन सिटी। डबल लैंड लॉक कंट्रीज की तादाद सिर्फ दो हैं, एक ऑस्ट्रिया है मेरे ख्याल में और दूसरा खुद ढूंढ लिया। तो ओके, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, दिस वन देखें दोस्तों। रशिया ऑब्जर्व इट्स इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन, रशिया कब अपनी आजादी का दिन मनाते हैं हर साल? जून 12 को मनाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, दिस वन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, द लार्जेस्ट अर्थक्वेक ऑफ द 20th century अकर्ड ऑन विच वट कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में 20वीं सदी का सबसे बड़ा जलजला आया था? तो इट इज साउथ अमेरिका, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 को देखें। क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, तो उस वक्त से लेके अभी तक ये ऑप्शन ए जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया है। क्वेश्चन नंबर 41, विच यूएस स्टेट हैज हैड द मोस्ट अर्थक्वेक्स? अलास्का, ऑप्शन
ऑप्शन वन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 एक्स सी आई एक्स इज अ रोमन नंबर और विच नंबर। तो ये हमारे पास ये बनता है 90 और इसके साथ 9 जमा करो तो 99। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 43 को देखे, विच रिमार्केबल मिनरल अबंडेंट सी इज सो डेंस एंड सॉल्टी इट कांट सस्टेन एनी लाइफ फॉर्म। एक सी है जिसमें कोई भी जिंदा चीज नहीं रह सकता, बस इतनी सी बात सवाल है, क्योंकि उसका नाम क्या है। ऑप्शन बी द डेड सी। तो ये इतना सॉल्टी है कि कोई भी चीज इसमें जिंदा नहीं रह सकता। मजीद डिटेल इसमें आप खुद ढूंढ लें, ये कहां पर वाकई है, किस मुल्क में है वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 विच एनिमल हैज एन ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड अ कब एंड इट्स कलेक्टिव ग्रुप इज कॉल्ड अ सिल्यूट। कौन सा जानवर है जिसके बच्चे को कब कहते हैं और उन जानवरों के ग्रुप को ये कहते हैं सिल्यूट। तो दैट इज बियर रीच। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 को दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है दिस वन। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट डज अ फिलैटलिस्ट कलेक्ट। फिलैटलिस्ट टिकट होल्डर जो ये क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं स्टैम्प्स। ओके आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हाट कंट्री डज द जायंट पांडा इनहैबिट। सबसे बड़ा पांडा कहां पर रहता है, तो वो चाइना में है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन इज डी। आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 विच एनिमल्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स डेट मीन टेरिबल लेजर्ड। टेरिबल लेजर्ड, तो ये हमारे पास डायनोसॉर। करेक्ट ऑप्शन इज डायनोसॉर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 सावधानी स्मॉल फिश, ये एक छोटे फिश का नाम है, विच वर ओरिजिनली काट ऑफ द कोस्ट ऑफ विच इटालियन आइलैंड। ठीक है दोस्तों, कहते हैं यहाँ कहाँ पर पड़ा, तो जी सर इसका नाम है तो सावधानिया, ये देखिए ऑप्शन बी को। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 को देखें, इन विच अमेरिकन स्टेट इज द साइट ऑफ द यूएस गोल्ड बुलियन डिपॉजिटरी ऑफ ऑन लोकेटेड। इस चीज को आप सर्च कर ले कि ये क्या है, ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन डी को, अब करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, 50 नंबर विच इज द ओनली डियर इन विच बोथ सेक्सेस हैव एंटलर्स। तो इसमें अब आप देखें हमारे पास ऑप्शन ये, ऑप्शन सी जो है ना रीन डियर, इसको एक और नाम भी कहते हैं कारीबो, ये भी याद रखें सी ए आर आई बी ओ यू, इसको दो नामों से पुकारते हैं और इनमें दोनों सेक्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है, इन विच कंट्री वुड यू फाइंड यूट्रिक आर्निक एंड मॉस्ट्रिच। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन चीजों के, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताता हूं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, नीदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट इज फ्रांसी ट्रेन एंड ग्रैंड, वैसे ही जापानी के लफाल पाते हैं, ये पता नहीं ये कहते हैं ये क्या है, बिटर नोन फॉर इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाउंड एट द विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल कहते हैं इसमें से वो कौन सी चीज है जो वहां पर नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है दोस्तों। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 54 को देखें, क्वेश्चन नंबर 54 व्हाट डू यू कॉल द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन एलिफेंट वॉलरस एंड अ व्हेल। इन तमाम चीजों के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग बच्चे को कहते हैं, औलाद को कहते हैं।
कहते इसको क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप देखें कॉफ, ऑप्शन सी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन अराउंड वर्ल्ड। दुनिया में तकरीबन कितने 3000 जुबानें बोली जाती है, तकरीबन की बात है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।